तो देखिए भाई, माफ़ी चाहूँगा कि आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई है, ये क्योंकि नेटवर्क इशू चल रहा है और कई दिन से कोशिश भी कर रहे हैं, बफरिंग हो रही है लगातार, तो इसको ऑफलाइन ले लेते हैं। जब तक नेटवर्क इशू चलेगा, जब तक हम ऑफलाइन क्लास डालते रहेंगे, ठीक है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस चीज़ें हमको मिलनी चाहिए अच्छी, ठीक है। तो जैसा कि हम करते हैं स्टार्टिंग, जैसा कि हमारा चल रहा था बजट, हम पढ़ रहे थे बजट को, और बजट में हम अब तक 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कहने का मतलब जिस दिन से हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई है उस दिन से अब तक हम पूरी की पूरी 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 7वीं क्लास है, और लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था वो कवर किया था बजट के तहत एक्सपेंडिचर को, यानी खर्चे को, और खर्चे में हमने दोनों तरीके को कवर किया था, रेवेन्यू और कैपिटल, यानी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को कवर किया था, यानी राजस्व आय, सॉरी राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा। और हमने थ्री सिचुएशन को कवर किया था बजट की, को कि तीन स्थितियां होती हैं बजट की, और बजट की तीन स्थितियां जो हमने की थी कवर, उनका डिस्कस करने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चालू, तो तीन कंडीशन हमने कवर की थी बजट की, जिसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया था सरप्लस बजट को, यानी सरप्लस बजट की बात करते हैं तो इसे बोला जाता है अधिशेष बजट हिंदी में, क्या बोला जाता है, अधिशेष बजट। इसके बाद हमने जो दूसरा पॉइंट कवर किया था, वो कवर किया था बजट की सिचुएशन में से, वो किया था बैलेंस्ड बजट। जिसे हम क्या बोलते हैं, बराबरी बजट। और नंबर तीन पर जो हमने कवर किया था, वो किया था आपका डेफिसिट बजट। यानी कहने का मतलब घाटे का बजट। बात की थी हमने सरप्लस बजट के बारे में पिछली क्लास में, तो हमने बताया था कि एक ऐसा बजट सरप्लस बजट कहलाता है जिसमें इनकम को ग्रेटर देन दिखाया जाता है किससे, एक्सपेंडिचर से, यानी आय को जहां खर्चे से ज्यादा दिखाया जाए वह बजट कैसा बजट होता है, सरप्लस बजट, अधिशेष बजट। लेकिन बैलेंस्ड बजट के बारे में हम बात करते हैं, तो हमने कवर किया था पिछली क्लास में, जहां इनकम बराबर दिखाई जाती है किसके, एक्सपेंडिचर के, यानी कहने का मतलब आय जो है वो खर्चे के बराबर जिस बजट के तहत दिखाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट। और डेफिसिट बजट के बारे में अगर हम बात करते हैं, घाटे का बजट, तो हमने यहाँ पर कवर किया था कि घाटे का बजट जो होता है वह बजट कहलाता है जिसमें इनकम को कम दिखाया जाता है किससे, एक्सपेंडिचर से, यानी कहने का मतलब आय को कम दिखाया जाता है किससे, खर्चे से। तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट। और हालांकि हम पिछली क्लास में इस बात का डिस्कस कर चुके थे दोस्तों कि सरप्लस बजट जो होता है यह अपने आप में एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, यानी अविकसित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं अविकसित होती हैं उनको सामने वाला कोई भी देश कर्ज देने से इनकार करता है, कर्ज देने में संकोच करता है। क्यों करता है? कि इस वजह से कि अविकसित अर्थव्यवस्था है, पता नहीं हमारा कर्ज वापस लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा। तो इसी वजह से जो हमारी अविकसित कंट्री होती हैं, जिनकी अविकसित इकोनॉमी होती है, वह इस बजट को लेकर के चलते हैं जिससे वह इनकम ज़्यादा रख करके, खर्चे को कम रख करके अपनी सेविंग करते रहें और आपातकालीन स्थिति में उसका वो यूज कर सकें। इस वजह से यह यूजफुल होता है किसके लिए, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए, यानी अविकसित अर्थव्यवस्था के लिए। इसके बाद हमने बात की थी बैलेंस्ड बजट की, तो बराबरी का बजट, तो बराबरी का बजट जो होता है वह कैसी इकोनॉमी के लिए यूजफुल होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वह डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए यूजफुल होता है। जिन कंट्री की इकोनॉमी डेवलप्ड होती है, बिल्कुल अपने आप में कैसी होती है, विकसित अर्थव्यवस्था होती है, उसके लिए यह उपयोगी होता है, क्योंकि वह जितना भी उनकी आय होती है वह उतना ही उनका क्या होता है, खर्चा होता है। इस तरीके से बजट को पेश किया जाता है क्योंकि उन्हें लेन देन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर पड़ती भी है तो उसे कोई भी देश देने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है उसकी कैसी है, विकसित है। इसके बाद में हमने बात कहा था कि डेफिसिट बजट के बारे में, घाटे के बजट को जब हमने कवर किया था तो हमने बताया था कि घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें आय को कम दिखाया जाता है किससे, खर्चे से।
तो आय को कम दिखाया जाता है खर्चे से, तो ऐसे बजट को हम डेफिसिट बजट कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये निकल करके आता है कि भारत के अंदर जो बजट पेश किया जाता है वो कैसा बजट होता है, तो वो होता है आपका डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। मैं आपको बता दूं कि घाटे के बजट में जब बजट पेश किया जाता है तो इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर क्या होता है, कम होता है। तो यहां से इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम होता है, और यह अपने आप में ऐसी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जो विकासशील होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो इकोनॉमी अपने आप में डेवलपिंग होती है, समझ रहे हो, जो अपने आप में इकोनॉमी कैसी होती है, विकासशील होती है, उसके लिए यह यूजफुल होता है। और यूजफुल इस वजह से होता है कि वह विकासशील से उसको विकसित में कन्वर्ट कर सके, यानी डेवलपिंग को डेवलप्ड में कन्वर्ट कर सके, इस बात के लिए इसका यूज होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब सरकार इस बजट को पेश करती है तो यह बजट अपने आप में एक जोखिम भरा भी होता है। अगर इस बजट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो यह एक तरीके से उल्टा भी पड़ जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो इसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल होता है तो यह बजट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और किसी भी इकोनॉमी को जो अपने आप में विकासशील है उसको विकसित की ओर ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, ये दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हालांकि हम पिछली क्लास में कवर कर चुके थे, लेकिन आज हम जो लेंगे वो डेफिसिट बजट को लेंगे, घाटे के बजट को यहां से उठाएंगे। तो डेफिसिट बजट को यहां से हम कवर करेंगे आज। यानी घाटे का बजट, देखिए घाटे का बजट मैंने आपको बता दिया कि घाटे के बजट के तहत आपकी जो इनकम होगी उस बजट में वो कम दिखाई जाएगी, किससे, एक्सपेंडिचर से। यानी आय जो है वो सदैव कम दिखाई जाएगी, किससे, खर्चे से। अब यहाँ पर आप सोच करके देखिए कि अगर इनकम खर्चे से कम दिखाई जा रही है तो सरकार इसकी भरपाई कहाँ से करेगी। जैसे मैं यहाँ पर कहने लगा कि गवर्नमेंट ने इनकम को दिखाया 1,00,000 रुपये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और उसने एक्सपेंडिचर को दिखाया, खर्चे को दिखाया 1,20,000 रुपये। बात समझने की कोशिश करना, जब सरकार अपनी इनकम को 1,000 दिखा रही है और उसमें से खर्चे को वह कितना दिखा रही है, 1,20,000, तो कुल मिलाकर के अगर उसकी इनकम 1,00,000 और खर्चा 1,20,000 है तो गवर्नमेंट इस 20,000 की भरपाई करेगी कहां से, पहला पॉइंट तो ये। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट के वो तरीके जिनके तहत वह इस घाटे की भरपाई करेगी, इस खर्चे की पूर्ति करेगी, इस खर्चे की पूर्ति करने को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी हम कहते हैं इसे घाटे का वित्त पोषण। तो आप ध्यान रखेंगे इसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसे हम कहते हैं घाटे का वित्त पोषण। तो घाटे का वित्त पोषण करना बोला जाता है एक ऐसे बजट के तहत जहां पर हमारी इनकम को कम दिखाया जाता है एक्सपेंडिचर से, तो जो हमारा अतिरिक्त खर्चा होता है इनकम से, उस खर्चे को कवर करने के जो तरीके होते हैं उन तरीके को ही हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं घाटे का वित्त पोषण। बात क्लियर है यहां तक, क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने आप में घाटे का वित्त पोषण कहलाता है। अब पॉइंट निकल करके आता है कि दोस्तों जब घाटे का वित्त पोषण करने के लिए गवर्नमेंट जाती है तो गवर्नमेंट के पास में क्या क्या ऑप्शन होते हैं घाटे का वित्त पोषण करने के लिए। मैंने बताया आई लेस देन ई, इनकम कम किससे, खर्चे से। तो एक बात बताइए कि अगर सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, घाटे का वित्त पोषण करती है, तो प्रत्येक देश की सरकार एक ही बात चाहती है कि हमको कोई भी नुकसान न हो, और नुकसान न होने के साथ साथ हमारे देश की जो जनता है उसके भी हित में कंडीशनें जाएं। तो सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट को गवर्नमेंट अपनाना चाहती है जिससे न तो जनता को नुकसान हो और न ही सरकार को। तो सबसे अच्छा फॉर्मेट जो होता है गवर्नमेंट के लिए जिससे वो घाटे का वित्त पोषण कर सकती है वह होता है आपका बोरोइंग्स ऑफ लोन्स। यानी कहने का मतलब सरकार कर्जा लेकर के, लोन लेकर के, उधार लेकर के इस घाटे का वित्त पोषण कर सकती है। यानी सबसे पहला पॉइंट जो कि यूजफुल होता है, जो कि इकोनॉमी को नुकसान देकर के नहीं चाहता है, वो होता है आपका बोरोइंग्स ऑफ लोन। बोरोइंग्स ऑफ लोन्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब सरकार का उधार लेना। तो देखिए सरकार का उधार लेना, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए कि सरकार घाटे का वित्त पोषण करेगी तो पहली कंडीशन अपनाएगी जो कि यूजफुल रहती है इकोनॉमी के लिए और देश की जनता के लिए, वो होता है बोरोइंग्स ऑफ लोन्स। अगर सरकार ने, मैंने बोला एक बात यहां पर,
कि जो डेफिसिट बजट होता है, जो घाटे का बजट होता है, वह एक तरीके से जोखिम भरा हुआ होता है, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा दिखाया जाता है, इनकम कम होती है, अगर उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि जो हमारी खर्चा ज्यादा होता है उस खर्चे की भरपाई अगर हम करते हैं और भरपाई करते हैं जिन तरीकों को हम भरपाई करने के लिए अपनाते हैं, अगर उन तरीकों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये बजट उल्टा भी पड़ जाता है। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ कि सबसे पहले गवर्नमेंट अपनाने की कोशिश करती है बोरोइंग्स ऑफ लोन, यानी सरकार उधार लेकर के इसकी भरपाई करना चाहती है। अब मान लीजिए कि मैंने बताया कि इनकम उसकी 1 लाख थी, उसने खर्चे को दिखा दिया 1,20,000। अब 20,000 का लोन लेकर के सरकार घाटे की क्या कर सकती है, पूर्ति कर सकती है। लेकिन सरकार घाटे की पूर्ति करेगी तो क्या होगा कि सरकार ने जो कर्ज लिया उसको तो उसे वापस करना ही होगा, प्लस जो कर्जे का इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो भी उसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उधार लेने के बाद में क्या किया कि जो घाटे की भरपाई करने के लिए जो 20,000 रुपए का जो लोन लिया, उस लोन का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि 20,000 तो वापस आ ही गए, लेकिन 20,000 के साथ साथ उसकी जो ब्याज जानी थी कहीं उससे ज्यादा भी वो प्रॉफिट गवर्नमेंट ने ले लिया, उस पैसे का इस तरीके से प्रयोग किया गया, तो यहां पर इससे सरकार को नुकसान नहीं होता है, ठीक है, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल होता है। तो किन्हीं कैटेगरियों में से सबसे पहले गवर्नमेंट अपनाना चाहती है बोरोइंग्स ऑफ लोन, उधार लेकर के घाटे का वित्त पोषण करना, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। क्लियर बात। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरा, अगर सरकार को बोला जाए कि लोन नहीं मिल पा रहा है, कोई देश लोन नहीं दे रहा है, कोई कंपनी लोन नहीं दे रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट फिर उसमें क्या करेगी, फिर अगला कदम रखने के लिए जो यूजफुल होता है, जो अच्छा होता है, वह होता है डिस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट। देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं विनिवेश। क्या बोलते हैं? विनिवेश। आपने एक नाम सुना होगा इन्वेस्टमेंट, एक निवेश सुना होगा, तो निवेश का मतलब होता है कि सरकार अपना खर्चा करने के बाद में, देखिए निवेश का मतलब होता है कि सरकार अपना खर्चा करने के बाद में अगर परिसंपत्तियों को इकट्ठा करती है तो वो उसका निवेश बोला जाता है। लेकिन जब डिस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, विनिवेश की अगर हम बात करते हैं, तो विनिवेश जस्ट इसका उल्टा होता है, सरकार अपनी संपत्तियों को बेचने के बाद अगर इनकम को जनरेट करती है तो वो उसका क्या कहलाता है? डिस इन्वेस्टमेंट। यानी सरकार के पास कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी जमीन है, कोई भी जायदाद है, उसको बेचने के बाद में अगर वो अपनी इनकम को जनरेट करती है तो वह उस घाटे का वित्त पोषण कर सकती है, और जब उस जमीन को बेचने के बाद में अगर उसका सही तरीके से प्रयोग करती है तो यहाँ पर अपने आप में प्रॉफिट होता है उसको, तो वो आने वाले समय में बहुत सारी जमीन जायदाद और परिसंपत्तियाँ इकट्ठी कर सकती है। तो घाटे का वित्त पोषण यह भी गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से क्या होता है? यूजफुल होता है। डिस इन्वेस्टमेंट, बात क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में तीसरे पॉइंट पर, अगर ये दोनों में सरकार अगर कारगर नहीं हो पाती है तो तीसरी कंडीशन निकल करके आती है कि न्यू इनडायरेक्ट टैक्स, यानी न्यू इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ नए अप्रत्यक्ष कर, अप्लाई न्यू इनडायरेक्ट टैक्स, नए अप्रत्यक्ष कर लगा करके सरकार घाटे का वित्त पोषण कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे नए अप्रत्यक्ष कर लगाकर, देखिए यहां पर ध्यान रखना कि इससे भी घाटे का वित्त पोषण बड़े आसानी से किया जा सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी भी पहलू पर कर्ज, मतलब कर ले रही थी 10%, उस 10% को बढ़ा करके 12% अगर गवर्नमेंट ने कर दिया तो जनता देश को छोड़ करके नहीं चली जाएगी। बहुत ही कम वैल्यू अगर उसने बढ़ा दी करों की तो वहां से वो अतिरिक्त इनकम कर सकती है, और अतिरिक्त इनकम करने के बाद में घाटे का वित्त पोषण यहां से कर सकती है। तो यह भी एक सरकार के नजरिए से और इकोनॉमी के नजरिए से अच्छा यूजफुल होता है। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन फ्लॉप हो जाती हैं तो लास्ट में वह रास्ता अपनाती है गवर्नमेंट जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही घातक होता है। तो यहाँ पर वह होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, यानी ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, इसे आप ध्यान रखना। इसको गवर्नमेंट तब अपनाएगी जबकि कहीं से भी किसी भी तरीके से घाटे का वित्त पोषण करने में नाकाम होती है। तो आप यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, यानी न्यू करेंसी को प्रिंट कराने के बाद में, यानी नई मुद्रा की छपाई कराने के बाद में घाटे का वित्त पोषण कर सकती है। यानी रिजर्व बैंक से बोली, आरबीआई से बोली भारत सरकार के, भाई तुम तो अपने मित्र हो, ठीक है, और हमारे लिए पैसा छाप दीजिए, और पैसा जब छाप देंगे तो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, मार्केट में न्यू करेंसी आ जाएगी, और न्यू करेंसी आने से यहाँ पर बहुत सारे नुकसान आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर न्यू करेंसी के अकॉर्डिंग घाटे का वित्त पोषण करती है, ठीक है, घाटे का अगर वित्त पोषण करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है गवर्नमेंट अगर न्यू करेंसी को छाप करके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि कुल मिलाकर के
लिक्विडिटी जो होती है मार्केट में वह बढ़ जाती है, तरलता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब तरलता बढ़ जाती है तो मैंने आपको इन्फ्लेशन में ये बात बताई थी कि जैसे जैसे मार्केट में तरलता बढ़ती है पैसा अधिक होता है, तो पैसा अधिक होने पर लोगों की डिमांडें बढ़ने लगती हैं, और जब लोगों की डिमांडें बढ़ने लगती हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वह कम पड़ने लगती हैं, और कम पड़ने पर जितने पैसे आप पहले खर्च कर रहे थे, जितनी वस्तुएं ला रहे थे, उतने पैसे में फिर आप कम वस्तुएं लेकर के आते हैं, क्योंकि उनके प्राइस जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी परचेजिंग पावर उनकी घट जाती है। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन में, मैं एक बात कहने लगा कि इन्फ्लेशन से पहले मैं ये मार्कर 100 रुपये में 100 लेकर के नहीं बल्कि 10 लेकर के आ रहा था 100 रुपये में, और मार्केट में महंगाई आ गई, ठीक है, तो मैं फिर 100 रुपये में 10 नहीं लेकर के आ पाऊंगा, 10 से कम लेकर के आऊंगा, तो मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी, घट जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि जब कभी भी प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी के तहत डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है सरकार, घाटे का वित्त पोषण करती है, तो घाटे का वित्त पोषण करते समय यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाती है, यहाँ पर कंडीशन हो जाती है कि हमारी महंगाई आ जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में। क्यों आ जाता है, क्योंकि पैसा अधिक होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है मार्केट में, तरलता ज़्यादा होती है, पैसा अधिक होता है, लोगों की डिमांडें बढ़ने लगती हैं, और जब लोगों की डिमांडें बढ़ने लगती हैं तो प्रोडक्टों की कमी होने लगती है, जिसके कारण उनकी कीमत बढ़ जाती है और परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, क्रय शक्ति घट जाती है, तो महंगाई आ जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर इस महंगाई के बारे में हम बात करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की महंगाई आती है। आप ये ना समझें कि केवल राष्ट्र में ही महंगाई आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा जो है भारत का भारत में यूज हो रहा है, दूसरे देशों में भी हो रहा है, तो एक इंटरनेशनल महंगाई भी आती है, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी आता है, ठीक है। इसके बाद में जो करेंसी वैल्यू होती है वह गिर जाती है, यानी वैल्यू की, जो करेंसी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर पैसा अधिक छपने लगा, समझने की कोशिश करना, अगर पैसा अधिक छपने लगा तो ऐसा नहीं है कि जनता उसे फेंक देगी और जला करके फेंक देगी, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो करेंसी वैल्यू कैसे हो जाएगी, कि वहां पर डिमांड कम होने लगेगी और सप्लाई क्या होने लगेगी, ज्यादा। तो डिमांड कम और सप्लाई क्या होने लगेगी, ज्यादा। पैसे की डिमांड कम है और सप्लाई क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो तुम्हारी पैसे की औकात क्या रही, पैसे की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई, तो यहाँ पर करेंसी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। करेंसी बढ़ेगी डिमांड नहीं, करेंसी के डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं, कि मान के चलिए कि आज की डेट में करेंसी की आवश्यकता जितनी थी उसकी भरपाई हो रही है, और एक साथ पैसा छापने के बाद में मार्केट में आ गया, तो पैसे की डिमांड इतनी नहीं थी, तो पैसा क्या होगा, इधर उधर डोलता रहेगा, तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो करेंसी वैल्यू जो होगी करेंसी की वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, समझ रहे हो ना। और यही हुआ था किसमें, जिम्बाब्वे में इतना पैसा छाप दिया गया था कि लोग जो है बैगों में भर भर के डोल रहे थे, और वहां पर एक एक बैग भर के ब्रेड के पैकेट नहीं मिल पा रहे थे, इतनी महंगाई बढ़ गई थी, तो इन्फ्लेशन वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन आया हुआ था, ठीक है। तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो इसका जो यूज करती है वो गवर्नमेंट कब करती है, जब किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता है। बातें क्लियर है यहां तक, क्लियर है। हाँ बिल्कुल, इसमें ये बात आती है कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह तभी छाप सकती है जबकि हम मुद्रा कोष में धन जमा करेगी रिजर्व बैंक, जब ही जाकर के पैसा छपेगा, ठीक है। तो यहां पर हर तरीके से नुकसान होता है, बात क्लियर। हाँ ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर हमने ये पॉइंट कर लिया कवर, इसके बाद में अगला पॉइंट क्या निकल करके आता है, अगला पॉइंट यहां पर ये निकल करके आता है कि अगर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ डेफिसिट्स, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, यानी हमारे घाटे के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि घाटे के जो हमारे प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो यहां पर घाटे के 3 प्रकार होते हैं, यानी सरकार जो घाटे का एनालिसिस करती है कितने फॉर्मेट में करती है, तो वो करती है 3 फॉर्मेट में। सबसे पहला हमारा होता है टोटल डेफिसिट, टोटल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो इसे बोलते हैं कुल घाटा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है टोटल के बाद में वो होता है फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट को राजकोषीय घाटा, क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। और तीसरे नंबर पर होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट,
क्या होता है, प्राई मरी डेफी सेट, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक घाटा, यानी गवर्नमेंट जो एनालिसिस करती है अपनी इकोनॉमी के तहत, वो घाटे का तीन फॉर्मेट में करती है। एक होता है हमारा टोटल डेफिसिट, एक होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अगर सरकार टोटल डेफिसिट का एनालिसिस करने के लिए जाती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि टोटल डेफिसिट का अगर सरकार एनालिसिस करेगी तो सरकार टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, माइनस, यानी जिस वर्ष के लिए, जिस वित्तीय वर्ष के लिए, सारा का सारा एनालिसिस जो होता है वो वित्तीय वर्ष के तहत होता है, और वित्तीय वर्ष जो चलती है वो कहां से, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, जो मैं पिछली क्लासों में कवर कर चुका हूं। तो जो टोटल डेफिसिट गवर्नमेंट निकालती है उसमें क्या करती है कि जो टोटल इनकम होती है वित्तीय वर्ष की, उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को क्या कर देती है, घटा देती है। बिल्कुल गलत। एक बात यहां पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि वो डेफिसिट, वो घाटे का एनालिसिस कर रही है, तो घाटा जो होगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो ज्यादा होगा किससे, टोटल इनकम से। आप समझने की कोशिश करें, अगर हम डेफिसिट निकाल रहे हैं, अगर हम घाटा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा खर्चा ज्यादा हुआ, इनकम हमारी क्या हुई। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंडिचर हर हालत में ग्रेटर देन होगा इनकम से, यानी कहने का मतलब खर्चा जो है वो ज्यादा होगा किससे, आय से। तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करेंगे, बल्कि टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ, उसमें इनकम कितनी थी, उसको माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल घाटा आ जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ठीक है। तो यहां पर मैंने टोटल बोला है, तो टोटल का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू हो चाहे आपकी कैपिटल हो। तो यहां पर टोटल में रेवेन्यू इनकम आपकी हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, यानी कहने का मतलब आपकी राजस्व आय हो सकती है और आपकी, सॉरी, राजस्व खर्चा हो सकता है और आपका पूंजीगत खर्चा हो सकता है, ठीक। इसी तरीके से टोटल इनकम में बात करते हैं तो रेवेन्यू और कैपिटल, यानी टोटल आय में राजस्व हो सकती है और कैपिटल हो सकती है, यानी कहने का मतलब चाहे वो इनकम आपकी राजस्व रेवेन्यू हो या फिर आपकी इनकम कैसी हो, कैपिटल हो, उसको माइनस कर देना है आपके उसी वर्ष के खर्चे में से, चाहे वो आपका रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, यानी मिलाने के बाद में कुल इनकम में से कुल खर्चे को डायरेक्टली क्या कर देना है, कुल खर्चे में से कुल इनकम को क्या कर देना है, डायरेक्टली माइनस कर देना है, वही हमारी टोटल डेफिसिट होता है। बात क्लियर यहां तक, कुल घाटा बोला जाता है, बात क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। देखिए, राजकोषीय घाटा आपको अगर ध्यान रखना है, तो राजकोषीय घाटा अगर आपको निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर में से हमको माइनस करना है इनकम को। जरा ध्यान से सुनना, मैंने इनकम लिखा हुआ है यहां पर, यहां टोटल एक्सपेंडिचर है, यहां केवल इनकम लिखा हुआ है, यहां मैंने टोटल इनकम लिखा हुआ था। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ, मैंने इनकम यहां पर इस वजह से लिखा हुआ है कि जो हमारा बोरोइंग्स ऑफ लोन्स होता है, यानी सरकार अपनी जो इनकम करती है, भाई अगर किसी से सरकार ने कर्ज लिया, वो मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं, तो अगर सरकार कर्ज ले रही है तो वो भी तो एक उसकी इनकम है, लेकिन है कैसी, कैपिटल इनकम है। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम टोटल खर्चे में से उसकी इनकम को घटा दें, लेकिन किसको छोड़ने के बाद, जो लोन लिया है उसको छोड़ने के बाद, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बोरोइंग्स ऑफ लोन्स, ठीक है, को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, और उस इनकम को फिर टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। बात क्लियर यहां तक या नहीं, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट पर जाते हैं, प्राथमिक घाटे पर जाते हैं, तो देखिए प्राथमिक घाटा बड़ा ही खतरनाक है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटे को आप जरा अच्छे तरीके से समझिए कि हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, उस प्राइमरी डेफिसिट के तहत अगर हम बात करते हैं ना, तो जो वर्तमान वर्ष जिसमें हम निकालने के लिए जा रहे हैं, जिस वर्ष का हम प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए जा रहे हैं, उस प्राइमरी डेफिसिट को निकालने के लिए उस वर्ष के फिस्कल डेफिसिट, उस वर्ष के फिस्कल डेफिसिट में से हम माइनस करेंगे जो हमारे पास पिछले वर्ष का जो लोन लिया गया था उस पर कंप्लीट इस वर्ष में जो ब्याज देना है, जो इंटरेस्ट देना है, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी ब्याज, बात समझे या नहीं समझे, यानी
इस वर्ष का प्राइमरी अगर हमें डेफिसिट निकालना है तो इस वर्ष का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा राजकोषीय घाटा है, उसमें से हमको माइनस करना है जो हमारे पिछले साल हमने जो लोन लिया था उनकी ब्याज का जो भुगतान करना है उस ब्याज को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ना कि हमको लोन्स को माइनस करना है, केवल लोन्स पर जो हमारी ब्याज बैठती है पिछले साल की जो हमें इस साल देनी है उसको केवल हमें माइनस कर देना है फिस्कल डेफिसिट में से, राजकोषीय घाटे में से। यानी इस वर्ष का प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक अगर हमें घाटा निकालना है तो इस वर्ष का पहले हमें राजकोषीय घाटा निकालना पड़ेगा, और राजकोषीय घाटा निकालने के बाद में पिछले वर्ष के जो लोन पर जितनी भी जो कर्जे थे उन पर जितनी भी इंटरेस्ट जानी थी इस वर्ष में उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, वही हमारा प्राइमरी डेफिसिट होगा। बात क्लियर? यानी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर मुझे 1 लाख रुपए ब्याज देनी है इस वर्ष में। मैंने पिछले साल 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, उस पर मुझे इस वर्ष में 1 लाख रुपए ब्याज देनी है, सपोज करिए, तो मैं 10 लाख को माइनस नहीं करूंगा। लोन पर जो पिछले वर्ष के लोन पर इस वर्ष जो ब्याज बनती है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 लाख। यानी कहने का मतलब फिस्कल डेफिसिट में से मुझे 1 लाख घटाना पड़ेगा, वही हमारा प्राइमरी घाटा होगा, ठीक है, प्राथमिक घाटा। बात क्लियर है यहां तक? मेरे हिसाब से क्लियर होगी। क्लियर यहां तक? मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या आती है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि यहां से आगे के लिए अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि करों की संरचना, देखिए अब तक हमने जो पढ़े हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया लिया था कि टैक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स को हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को हम अप्रत्यक्ष कर। हमने बोला था कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, वो गैर हस्तांतरित होता है, यानी उसका बोझ हम किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते हैं, वो हमने पिछली क्लासों में क्लियर किया था। अगर इनडायरेक्ट की बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, तो इसका मतलब होता है कि हम उसका बोझ किसी दूसरे पर डाल सकते हैं, यानी वह एक ट्रांसफरेबल टैक्स होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हम बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो एनालिसिस होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कितनी स्टेज में होता है, तो ये हमें समझना है। तो तीन सिचुएशन होती हैं, ठीक है, किसकी? तीन स्ट्रक्चर होते हैं, करों की तीन संरचनाएँ होती हैं जिनके तहत टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लेती है। तो उनको आप समझिए कि स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस, ठीक है, तीन कैटेगरी होती हैं। क्लियर बात? सबसे पहला प्रोग्रेसिव टैक्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रगामी कर। क्या कहते हैं हिंदी में? हम क्या कहते हैं? प्रगामी कर। क्लियर बात? इसके बाद दूसरी सिचुएशन जो होती है हमारी, वो होती है रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसे हम कहते हैं आनुपातिक कर। क्या कहते हैं? आनुपातिक कर। देखिए जरा समझिए, नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स प्रगामी कर, प्रोग्रेसिव टैक्स प्रगामी कर, नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रगामी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है जो कि इनकम को इंक्रीज होने पर टैक्स का रेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स के रेट भी क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, यानी प्रगामी कर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर कहने लगा कि इसका एग्जांपल बताइए, तो आप ध्यान रखेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो आयकर होता है वो एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। अब वो समझ लीजिए कैसे होता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एज ए एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार ने एक बात बोली कि अगर भारत के अंदर कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए की इनकम करता है तो वो टैक्स फ्री है,
समझना मेरी बात कि सरकार ने, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि सरकार ने एक बात बोली कि अगर कोई भी भारत के अंदर अगर 1 लाख रुपए की इनकम करता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, 0% है, ठीक है। लेकिन सरकार ने एक बात बोली कि जो बंदा 1 लाख रुपए से ऊपर करता है और 2 लाख रुपए तक की इनकम करता है तो उससे जो है वो 10% टैक्स लिया जाएगा, समझने की कोशिश करना। फिर सरकार ने बोली कि जो 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक की इनकम करता है उससे 20% का टैक्स लिया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति 5 लाख से लेकर के एवब जो कुछ भी करता है उससे 30% टैक्स लिया जाएगा। तो हमने यहां पर देखे कि जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ रही है टैक्स के रेट भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहां पर इनकम के इंक्रीज होने पर अगर टैक्स का रेट भी इंक्रीज होता है तो अपने आप में प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स कहलाता है, प्रगामी कर कहलाता है, इसकी गिनती जैसे इनकम टैक्स एग्जाम्पल के तौर पर। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, बात क्लियर है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है रिग्रेसिव टैक्स। लेकिन आप ध्यान रखना कि रिग्रेसिव जो टैक्स होता है इसको हम बोलते हैं प्रतिगामी कर। क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कर। देखिए, प्रति माने विपरीत और गामी माने गमन, यानी विपरीत दिशा में गमन करने वाला। तो इसका जो संबंध होता है ना वो जस्ट उल्टा होता है किससे? इनकम से। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि टैक्स और इनकम के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स के रेट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। बात समझना मेरी, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स के रेट डिक्रीज होंगे। लेकिन फिलहाल वर्तमान में यह नेचर का टैक्स भारत में अब अप्लाई नहीं है, इसे हटा दिया गया है। लेकिन बीच में इसे लागू किया गया था, और बीच में जब इसे लागू किया गया था तो केवल और केवल छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया था, कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिल सके। इस बात के लिए इसे लागू किया गया था कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में, या प्रोडक्ट यहां पर लिख दीजिए, प्रोडक्शन लिख दीजिए आप यहां पर, वो अच्छा रहेगा। प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है तो टैक्स क्या होता है? इसमें डिक्रीज होता है। लेकिन वर्तमान में ये कोई टैक्स भारत में, भैया भारत की इकोनॉमी में नहीं अप्लाई है। कुछ समय पहले यह था, वह केवल इस वजह से था कि जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको बढ़ावा मिल सके। यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करोगे टैक्स के रेट आपके ऊपर उतने ही कम होते जाएंगे, और जितना आप छोटा बिजनेस करोगे उतने ही टैक्स के रेट जो है वो आपके पास हाई लगेंगे। तो इस बात के लिए छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और अपने आप में अपने आप को एक बूस्टर का आधार दे सकें, इस बात के लिए यह लगाया गया था। लेकिन इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ा, तो इस वजह से वर्तमान में जो इकोनॉमी है यह टैक्स बिल्कुल हटा दिया गया है और वर्तमान में प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो भारत में नहीं है। क्लियर बात? अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल आनुपातिक कर के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो आनुपातिक कर की कंडीशन क्या होती है? आनुपातिक कर की कंडीशन यह होती है कि इनकम के बढ़ने पर या घटने पर टैक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, चाहे इनकम ज़्यादा हो चाहे इनकम कम हो, लेकिन टैक्स जो है वो नो चेंज है, टैक्स रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी इनकम पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, लेकिन इस बात का इस पर कोई भी फर्क नहीं होता है। चाहे मेरी इनकम, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे मैं अमीर हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से इस टैक्स का एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो जैसे जीएसटी, मान लीजिए, सपोज करिए जीएसटी के बारे में मैं आपको समझाने लगा यहां पर, मैंने कहने लगा कि मैं डोमिनोज का पिज्जा जो है जाकर के खाने लगा। अब मैंने पिज्जा जो है, या पिज्जा या बर्गर में खाने लगा, मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल बर्गर लिया, उसके रेट थे 100 और उस पर जीएसटी लगाया गया कितना परसेंट के? 10% या 5%। अगर 5% जीएसटी लगाया गया तो उसके 105 भुगतान करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि मैंने उसी की जगह पर चीज बर्गर खाया, लेकिन नाम तो एक ही है बर्गर, लेकिन वहां पर चीज है, ब्रांड चेंज हो गई है, तो अब उसके रेट है 200 रुपए, लेकिन जीएसटी एक ही बात कहता है, अब भी आपको कितना देना पड़ेगा? 5%। तो आपको कितना देना पड़ेगा? 210। तो रेटों पर कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं होगा, चाहे इनकम बढ़े या घटे, लेकिन टैक्स के रेट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, आनुपातिक कर कहते हैं। बात क्लियर यहां तक? यानी टैक्स में कोई भी रेट में परिवर्तन न हो, यानी जब कर का बोझ उत्पादन की मात्रा के बावजूद हो। यानी कहने का मतलब, आपका प्रोडक्ट महंगा है लेकिन रेट उस पर उतना ही लगना है, चाहे आपका प्रोडक्ट सस्ता है रेट उस पर उतना ही लगना है टैक्स का, कुल मिलाकर के ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। बात क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद में अब हम कुछ अहम पहलू ले लेते हैं। तो टैक्स जो स्ट्रक्चर है वो तीन है हमारे, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो तीन फॉर्मेट में। अब फिलहाल वर्तमान में 2 अप्लाई है, 1 नहीं है, क्लियर बात। अब यहां से आगे
हम थोड़ा सा और पॉइंट आगे बढ़ाते हैं और पॉइंट हम ये लेते हैं कि हम डायरेक्ट टैक्सों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? डायरेक्ट टैक्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर के बारे में। डायरेक्ट टैक्स के कुछ पहलू उठाएंगे। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर की बात अब हम करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष कर में से हम जो पॉइंट लेंगे, प्रत्यक्ष कर में से जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक तरीके से, आप समझ लेना, टैक्स ऑफ वेल्थ एंड कैपिटल, टैक्स ऑन वेल्थ एंड कैपिटल, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे और इसके जो हम पहलू लेंगे दोस्तों वो लेंगे पांच, ठीक है। और पांच जो हम पहलू लेंगे उन पहलुओं को समझ लीजिए कि पांच डायरेक्ट टैक्सों पर हमको बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, गिफ्ट टैक्स यानी उपहार कर के बारे में। दूसरा जो हम बात करेंगे वो करेंगे स्टेट ड्यूटी के बारे में, स्टेट ड्यूटी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं जायदाद कर, क्या बोलते हैं, जायदाद कर। और तीसरे पॉइंट पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे वेल्थ टैक्स, क्या करेंगे, वेल्थ टैक्स। और वेल्थ टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजी कर, क्या बोलते हैं, पूंजी कर, बात क्लियर, क्या बोलते हैं, पूंजी कर। और इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर चार पर, वो हम करेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यानी जिसे हम बोलेंगे आयकर, ठीक है। इसके बाद में हम नंबर पांच पर जो बात करेंगे वो करेंगे कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स के बारे में हमें ये पांच पहलू पर बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं किसको, गिफ्ट टैक्स को, क्लियर बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पांच टैक्स हमको पढ़ने हैं जो कि डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट टैक्स के बारे में बता चुके हैं कि वह टैक्स जो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जो गैर हस्तांतरित होता है, जिसका बोझ हम किसी दूसरे पर न डाल सके, जो कि हम पिछली क्लासों में डिस्कस इस बात का कर चुके हैं, बात क्लियर यहां तक। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे आपका गिफ्ट टैक्स यानी उपहार कर, ठीक है। तो उपहार कर हम सबसे पहले कवर करेंगे, आखिरकार उपहार कर होता क्या है, आखिरकार गिफ्ट टैक्स जो है वो होता क्या है। देखिए, गिफ्ट टैक्स में दो नाम जुड़ेंगे, हैं, अब दो नाम जुड़ेंगे तो दो नाम गिफ्ट टैक्स में, आप ये मत सोचना कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जुड़ेंगे, ठीक है। दो नाम जुड़ेंगे आपके गिफ्ट टैक्स में और वो दो नाम क्या होंगे, एक तो होगा डोनी और एक होगा आपका डोनर। देखिए, गिफ्ट टैक्स को समझने के लिए दो नामों को समझना होगा, एक होगा डोनी और एक होगा डोनर। डोनी की अगर हम बात करते हैं तो ये उपहार लेने वाला, उपहार लेने वाला, और अगर हम डोनर की बात करते हैं तो ये होगा उपहार देने वाला, बात समझ रहे हो। तो डोनी और डोनर, उपहार लेने वाला और उपहार देने वाला। तो यहां से गिफ्ट टैक्स आखिरकार होता क्या है, गिफ्ट टैक्स हम कहते कैसे हैं। देखिए, गिफ्ट टैक्स जो होता है, इट इज पेड बाई द पर्सन हु रिसीव्ड, यानी कहने का मतलब रिसीव्ड गिफ्ट, यानी वह व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है जो गिफ्ट को ग्रहण करता है, गिफ्ट को ग्रहण करता है, गिफ्ट को लेता है, रिसीव करता है, न कि यह उस व्यक्ति से लिया जाता है जो गिफ्ट देता है। अब बात आती है कि गिफ्ट को जो रिसीव करता है उसको यह टैक्स देना पड़ता है। तो यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसका गठन हुआ था, आप ध्यान रखेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इस बात की घोषणा हुई गिफ्ट टैक्स के लिए कि जो डोनी होगा, जो उपहार लेने वाला होगा, वह इस टैक्स को देगा, न कि उपहार देने वाला, बात क्लियर यहां तक। अब यहां से आगे अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि डोनी उपहार लेने वाला जो है वह इस टैक्स को देगा, तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने किसी को यह मारकर गिफ्ट दिया तो वह मार्कर पर जो गिफ्ट ले रहा है वो टैक्स देगा, नहीं। इसमें भी सिचुएशन है गिफ्ट टैक्स के लिए, वो बात आप ध्यान रखेंगे। और वो सिचुएशन क्या क्या है, सबसे पहली सिचुएशन अगर हम गिफ्ट टैक्स की बात करते हैं, देगा तो कौन, डोनी, उपहार लेने वाला। अब इसमें कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि ऐसी
गिफ्ट पर से टैक्स नहीं लिया जाएगा जिसका रिटेल रेट जो है वो 50,000 या 50,000 से क्या है कम है, यानी 50,000 और लेस। यानी कहने का मतलब जिस गिफ्ट का रिटेल रेट जो है वो 50,000 या 50,000 से कम है, वह डोनी जो है अगर उस गिफ्ट को लेता है, उपहार लेने वाला जो है अगर इन मतलब उसका रेट जो है गिफ्ट का 50,000 या 50,000 से कम है तो वह इस पर गिफ्ट टैक्स नहीं देगा। जरा ध्यान से सुनना, गिफ्ट टैक्स नहीं देगा। बात क्लियर यहां तक? लेकिन आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि अगर काश 50,000 से ऊपर का गिफ्ट चला जाता है तो वो टैक्स देगा और टोटल अमाउंट पर देगा। टोटल अमाउंट का मतलब समझ रहे हो कि मान लीजिए कि 60,000 का गिफ्ट दिया तो 60,000 का गिफ्ट ऐसा नहीं होगा कि उसमें से 50,000 को निकाल दिया जाए, बाद बाकी जो 10,000 बच रही है उस पर देगा। नहीं, जो टोटल अमाउंट होगा, एग्रीगेटेड जो वैल्यू होगी, जो बिल्कुल कुल होगा उसका, ठीक है, उस पर देगा। अगर 60,000 का है तो 60,000 पर ही वो टैक्स को देगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 उसमें छूट मिल जाएगी। अगर 1,00,000 है तो 1,00,000 पर पूरे टोटल अमाउंट पर, टोटल उसके रिटेल प्राइस पर ही वो टैक्स देगा। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक और बात और बता दूं कि जो आपका गिफ्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो रेट लगेगा गिफ्ट टैक्स देने का, वह वर्तमान का रिटेल प्राइस होगा। वर्तमान का मान लीजिए कि आपने 2 साल पहले गिफ्ट खरीदा और 2 साल पहले वो आया कितने का, कि 2 साल पहले आया मान लीजिए वो 1,00,000 का, और आज की डेट में आज आप उस गिफ्ट को दे रहे हो, लेकिन आज की डेट में उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए, तो इसका मतलब आज का जो प्राइस है उसी पर गिफ्ट टैक्स लगेगा। समझ रहे हो ना, 1,00,000 पर। अगर 2,00,000 का था, अगर आज की डेट में वो 3,00,000 का हो गया है, तो आज की डेट में जब आप गिफ्ट दे रहे हो तभी के रेट पर क्या लगेगा, आपका टैक्स लगेगा, गिफ्ट टैक्स। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। हाँ, सारी सिचुएशन में बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करना, पहले समझिए इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इसमें गिफ्ट टैक्स में किसको टैक्स और नहीं देना है, उसको नहीं देना है जो शादी के अवसर पर गिफ्ट दिया जाता है, चाहे वो कितना भी महंगा हो चाहे वो कितना भी सस्ता हो। तो शादी के अवसर पर जो गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। तो मैरिज टाइम यानी शादी के समय में जो गिफ्ट दिया जाएगा उस पर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है कि जो आपके इमीडिएट रिलेटिव होंगे, जो नजदीकी रिश्तेदार होंगे, ठीक है, जो नजदीकी रिलेटिव आपके होंगे, उसमें से डोनी पर यह टैक्स नहीं लगेगा। यानी किसी भी नजदीकी रिश्तेदार के द्वारा अगर उपहार दिया जाता है तो उसमें डोनी जो है वो इस टैक्स को नहीं देगा, यह बिल्कुल फ्री है। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं कि निकटवर्ती रिश्तेदारों में चाचा हैं, ताऊ हैं, एक फैमिली मेंबर जो आते हैं उन्हीं को निकटवर्ती का सर्किल होगा, न कि आप ये कहने लगे कि आपका जीजा आकर के टैक्स देने लगा तो वो निकटवर्ती में गिनती नहीं कराएगा। फैमिली जो मेंबर होंगे, समझ रहे हो, चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, बहन हैं, दादा हैं, दादी हैं, इनके द्वारा जो टैक्स दिया जाएगा वो अपने आप, जो गिफ्ट दिया जाएगा उस पर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। बात क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि जो रिलीजियस का मतलब धार्मिक रूप से जो दान दिया जाता है, जो गिफ्ट दिए जाते हैं, वो बिल्कुल टैक्सेबल फ्री होंगे। समझ रहे हो ना, चाहे वो किसी भी मंदिर के द्वारा दिया गया हो, चाहे वो मंदिर के पुजारी को दिया गया हो, लेकिन एक कैसे हो, धार्मिक हो, वह बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, गिफ्ट जो है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और देखिए, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, एक तरीके से चैरिटेबल आपने नाम सुना होगा, है, तो उसके द्वारा, जो चैरिटेबल के द्वारा टैक्स दिया गया, डोनी और डोनर दोनों में से किसी पर भी टैक्स कोई नहीं लगेगा। समझ रहे हो, जैसे हम कहने लगे कि मान लीजिए कि आपको वजीफा दिया जाता है स्कूल के द्वारा, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स बिल्कुल फ्री होगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये हमारी 4 कंडीशन हमने यहाँ पर पढ़ी, एक रिलीजियस के दौरान, समझ रहे हो, धार्मिक स्थिति के दौरान जो कुछ भी दान दिया जाएगा, दान में जो गिफ्ट दिया जाएगा वो बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगा, और एक है नजदीकी रिलेटिव से, और एक मैरिज टाइम पर जो होगा और 50,000 और उससे लेस देन होगा उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। बात क्लियर यहां तक कि नहीं है? अब बताइए क्लियर है? लेकिन इसके बाद में आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि ये जो गिफ्ट टैक्स में अगर हम लॉटरी की बात करते हैं,
तो लॉटरी पर गिफ्ट टैक्स बिल्कुल फिक्स है, 30% है वर्तमान में, ध्यान रखना। लॉटरी पर कितना है? 30% है वर्तमान में। लेकिन यहां से एक पॉइंट ये भी निकल करके आता है दोस्तों, वो क्या पॉइंट है जरा उसे ध्यान से समझ लीजिए। वो पॉइंट ये है कि इस टैक्स का जो एनालिसिस किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। तो इस टैक्स का जो एनालिसिस किया जाएगा दोस्तों, वह इस तरीके से ही किया जाएगा जिस तरीके से आपकी इनकम पर टैक्स का एनालिसिस किया जाता है। मान लीजिए कि मेरी इनकम 5 लाख है और जो गवर्नमेंट ने जो इसका स्केल दे रखा है कि 5 लाख तक की इनकम पर तुम्हें इतना टैक्स देना है, अगर मुझे किसी ने 2 लाख रुपए का गिफ्ट दिया तो मेरी इनकम फिर कितनी लगेगी? 7 लाख। तो कुल मिलाकर के जो इनकम पर जिस तरीके से टैक्स लगता है उसी तरीके से गिफ्ट भी उस इनकम में प्लस होने के बाद में टैक्सेबल होगा। बात समझे या नहीं समझे? मेरी इनकम 5 लाख है, गवर्नमेंट मुझसे 5 लाख जिस पैमाने के जिस स्केल के अकॉर्डिंग मुझसे टैक्स ले रही है, अगर मुझे किसी ने 2 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया तो 5 और 2 मेरी इनकम 7 लाख लग करके उसी हिसाब से वह गिफ्ट का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, जो कि इनकम टैक्स के तहत मेरी इनकम पर लग रहा था। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गिफ्ट टैक्स होता है वह किस तरीके से टैक्सेबल होता है। तो इनकम टैक्स के तरीके से, जो आयकर हमारी होती है, जो आय पर हमारी पर कर लगाया जाता है उसी के हिसाब से वो टैक्सेबल होता है। बात क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरा नाम निकल करके आता है हमारा क्या? स्टेट ड्यूटी, यानी स्टेट ड्यूटी दूसरा, जिसे हम कहते हैं जय दातकर। तो स्टेट ड्यूटी को हम थोड़ा सा समझते हैं। जिसे हम कहते हैं जायदाद कर। देखिए जायदाद कर जो होता है वो अपने आप में कौन सा कर होता है, सबसे पहले तो आप ये याद रखें, ठीक है। ये होता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मतलब आपका होता है उत्तराधिकारी संपत्ति। क्या होता है ये? उत्तराधिकारी संपत्ति। देखिए उत्तराधिकारी संपत्ति ये जो कैसी नेचर का टेस्ट होता है, जो स्टेट ड्यूटी होती है, जो जायदाद कर होता है वो कैसा होता है? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, ये उत्तराधिकारी संपत्ति पर लगने वाला कर होता है। यानी यह वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो इसे अब फिलहाल इकोनॉमी से हटा दिया गया है, इंडियन इकोनॉमी से इसको हटा दिया गया है। लेकिन अब से पहले यह टैक्स स्टेट ड्यूटी लिया जाता था, लेकिन यह एक उत्तराधिकारी संपत्ति पर होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे दादा की प्रॉपर्टी अगर मेरे पिताजी के नाम पर आती है तो उस दौरान टैक्स देना पड़ेगा। मेरे पिताजी की संपत्ति अगर मेरे नाम पर आती है, समझ रहे हो, उत्तराधिकारी जो है, तो वह उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें जो टैक्सेबल होगा, जो उत्तराधिकारी होगा वही टैक्सेबल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इकोनॉमी से इस स्टेट ड्यूटी को, जायदाद कर को क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। समझ रहे हो? क्योंकि इससे इंडिविजुअल जो पर्सन था वो बहुत ज्यादा इफेक्टेबल हुआ था, उसका ज्यादा बोझ जो है वो उस पर पड़ा था। तो इस वजह से ओनली वन सेकेंड, अभी भाई अभी आता हूं। उत्तराधिकारी जो होता है, जो प्रॉपर्टी जिससे, यानी दादालाई जो प्रॉपर्टी होती है वो जिससे जिस पर जाती है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है, या टैक्स केवल और केवल उससे लिया जाता है। वर्तमान में इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि इसे हटा दिया गया है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सन को जो है वो ज्यादा इफेक्टेबल कर रहा था, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है? हटा दिया है, ठीक है। तो आप फिलहाल ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा नाम था जो टैक्स का, वो क्या था? वो था अपने आप में वेल्थ टैक्स। क्या था? वेल्थ टैक्स, ठीक है। और वेल्थ टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे बोल देते हैं हम कौन सा कर? पूंजी कर, ठीक है। तो देखिए वेल्थ का मतलब आप जानते हैं धन, ठीक है, पूंजी कर।
यानी सबसे पहली बात कि यह 1957 में इसे पेश किया गया था। आप ध्यान रखेंगे कि 1957 में इसे अप्लाई किया गया था, ठीक है। लेकिन आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि जो हमारे पिछले वित्त मंत्री हुए जिनका नाम क्या था है, हाँ, तो अरुण जेटली के द्वारा वर्ष 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो 2015 में इसको अरुण जेटली के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जो स्टेट जो वेल्थ हमारा टैक्स हुआ करता था, जो पूंजी कर हुआ करता था, ये 1957 में अप्लाई हुआ था, लेकिन 2015 में इसे अरुण जेटली के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और कुल मिलाकर के ये बात आप समझ सकते हो, पूंजी कर यानी वेल्थ टैक्स का मतलब जो आपके पास धन कितना, जमीन है कितनी, जायदाद है, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या मकान है, कैसी स्थिति है, क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स लिया जाता था और वह संपत्ति जो है उसी तरीके से टैक्सेबल हुआ करती थी। लेकिन 1957 में से अप्लाई किया गया था और अरुण जेटली के द्वारा 2015 में से हटा दिया गया। बात क्लियर यहां तक? बात क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद नंबर चार हमको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स, आयकर। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं और मैं यहां से कवर करता हूं इनकम टैक्स, जिसे हम बात करते हैं आयकर। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयकर और मैं इसको एक ही तरीके से इंक्लूड कर दे रहा हूं, कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को मैं एक ही साथ मिला दे रहा हूं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए आयकर जो लिया जाता है, इनकम टैक्स जो लिया जाता है, वो दो प्रकार से लिया जाता है। एक इस तरीके से लिया जाता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वह गवर्नमेंट खाते में रजिस्टर्ड नहीं है, आप तब टैक्स दे रहे हैं। समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा हार्ड पड़ेगा लेकिन सोचने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो दो कैटेगरी में लिया जाता है। एक तो होती है कि आप अपना इंडिविजुअल कोई भी इनकम कर रहे हैं, और इंडिविजुअल आप कोई भी इनकम करने के साथ साथ आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, समझना मेरी बात, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट टैक्स देते हैं अपनी इनकम जितनी भी कर रहे हैं। और एक कंडीशन होती है कि आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, समझने की कोशिश करना, आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बनाई और उसको आपने सरकार के खाते में क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, उसको रजिस्टर्ड करा लिया। तो आपने रजिस्टर्ड करा लिया, जैसे मैं एक अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, लेकिन मेरे द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद में, देखिए नाम से पहचानिए, कॉरपोरेट सहकारी यानी कहने का मतलब कॉरपोरेट करने वाला, कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सन था। जरा समझना, सपोज करिए कि मैं अपने आप में एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है, मैं इसका मालिक हूं, समझने की कोशिश करना, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन मैं मालिक होने के साथ साथ मैंने बहुत सारे टीचर रख रखे हैं, समझ रहे हो। अब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया उदय क्लासेस को, ठीक है, और मैंने इसको सरकार के खाते में क्या करा दिया, रजिस्टर्ड करा दिया। अब रजिस्टर कराने के बाद में कंडीशन क्या निकल करके आएगी कि रजिस्टर्ड जब ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन मेरी, तो यहां पर जो टैक्स देना पड़ेगा वो डायरेक्ट मेरी इनकम नहीं बोली जाएगी, बात समझिए, चाहे वह मेरे द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के खाते में, तो वो डायरेक्ट मेरी इनकम नहीं बोली जाएगी जो उस ऑर्गेनाइजेशन से होगी, वह डायरेक्ट मेरी इनकम नहीं बोली जाएगी, वो पहले सरकार के खाते का पैसा होगा, उसके बाद जो कुछ भी टैक्स होगा वहां से कटने के बाद वह मेरे पास आएगा। तो यहां पर दो कैटेगरियों में टैक्स लिया जाएगा, एक तो लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स, क्या आपने एक संस्था बनाई है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं उनकी इनकम क्या है, फिर उनकी इनकम का टैक्स लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। नहीं आ रही है बात समझ में? तो यह इन व्यक्तियों के द्वारा, जो टीचरों के द्वारा जो टैक्स जाएगा वो तो एक तरीके से इनके लिए इनकम टैक्स हो गया, लेकिन ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, भारत में चलाने का, जो टैक्स लेगी गवर्नमेंट वह एक कॉरपोरेट टैक्स होगा, बात समझ में आई। तो कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इनकम टैक्स क्या होता है, तो कॉरपोरेट मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, इनकम टैक्स को। बात क्लियर यहां तक? तो इनकम टैक्स हमको समझना है। अब इनकम टैक्स होता क्या है, देखिए आयकर क्या होता है कि हमारी जितनी भी इनकम होती है उससे जो टैक्स लिया जाता है इनकम के आधार पर, उसी को हम इनकम टैक्स कहते हैं। लेकिन सरकार के कुछ स्टैंडर्ड है, सरकार के कुछ मानक है, सरकार के कुछ
क्या हैं, स्केल हैं, कुछ पैमाने हैं जिनके तहत हम क्या देते हैं, अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर इसको समाप्त कर दिया जाए, फिलहाल के बजट को, यानी इस साल का बजट अगर न साथ में लिया जाए, इस साल के बजट को छोड़ दिया जाए, इससे पहले की कंडीशनों को लेते हुए मैं बात करूंगा, बाद में आऊंगा इस साल की कंडीशन पर कि इस साल के बजट में आखिरकार क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप समझें कि अगर इस साल का बजट निकाल दिया जाए तो इनकम टैक्स को, हम आपको बता दें कि सबसे पहले इस इनकम टैक्स को 1860 में अप्लाई किया गया, समझ रहे हो, कितने में अप्लाई किया गया, 1860 में, 1860 में, और 1860 में अप्लाई करने के बाद में फिर इसे 1873 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। सन 1860 में अप्लाई किया गया, 1870 में उसको फिर से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, और फिर 1873 में निष्कासित करने के बाद पुनः इसे 1886 में फिर से लागू कर दिया गया, 1886 में फिर से लागू किया कर दिया गया। लेकिन 1886 से लेकर के आज 2019 तक, यानी इनकम टैक्स जो है वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। तो यहां पर बात आती है कि 1860 से लेकर के 1873, यानी 1860 से 1873 तक 13 वर्ष तक ये अप्लाई रहा। 13 वर्ष के बाद इसे क्यों हटा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट जितना इनकम से कमाई करना चाहती थी वो कमाई नहीं हो पाई, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और 1873 से 1886 तक ये बंद रहा, और 1886 में फिर से इसे लागू कर दिया गया संशोधन करने के बाद में, और आज 2019 तक जो वर्तमान में हम करंट ईयर में चल रहे हैं अब तक यह अप्लाई है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन इस दौरान 1886 से 2019 तक चेंजिंग हुई, वो एक अलग की बात है, लेकिन फिलहाल अप्लाई है। तो मैं फिलहाल इस वर्ष के बजट को, है किसने पेश किया इस वर्ष का बजट, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन के इस साल के बजट को अगर मैं छोड़ दूं, इससे पहले के बजट पर अगर मैं इनकम टैक्स का एनालिसिस करूं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ने टैक्स स्लेब की अगर हम बात करते हैं, तो टैक्स स्लेब गवर्नमेंट का क्या था, ठीक है, टैक्स स्लेब जो है वो गवर्नमेंट का क्या था, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि टैक्स स्लेब गवर्नमेंट का क्या था, अगर अब के बार के बजट को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले क्या था। तो देखिए, गवर्नमेंट का इससे पहले जो स्लेब था वो ये था कि जीरो से लेकर के जिसकी इनकम 2.5 लाख तक होगी, जीरो से लेकर के जिसकी इनकम 2.5 लाख तक होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स फ्री होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, यानी 0% टैक्स, क्लियर बात। इसके बाद में 2.5 लाख से लेकर के जिसकी इनकम 5 लाख, 2.5 लाख से लेकर के जिसकी इनकम 5 लाख तक होगी, वह जो टैक्सेबल होगा वो 5% से होगा, कितने से होगा, 5% से। लेकिन 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक जो इनकम होगी, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक जो इनकम होगी वह टैक्सेबल होगी, वो 20% से होगी, कितने से होगी, 20% से होगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसके बाद में जो 10 लाख से लेकर के जो कुछ भी एवब होगी, समझ रहे हो, 10 लाख से लेकर के जो कुछ भी 10 लाख एवब होगी, ठीक है, जो 10 लाख एवब होगी उस पर जो दिया जाएगा टैक्स लिया जाएगा वो कितना होगा, 30%, बात समझना। लेकिन इस बार के बजट को छोड़ने के पहले की बात कर रहा हूं, जीरो से 2.5 लाख जो इनकम करेगा 0% कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख होगी 5% का लिया जाएगा, 5 लाख से 10 लाख होगी 20% लिया जाएगा, 10 लाख से प्लस होगी एवब यानी 30% लिया जाएगा। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप कमेंट करना, आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि मेरी इनकम 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए है तो टैक्स जो है वो कितना जाएगा मुझसे, कितना जाएगा, कितने रुपए जाएगा टैक्स, मेरी इनकम 3 लाख है तो मुझसे टैक्स कितना जाएगा, 15,000, 15,000, बिल्कुल गलत आंसर आपका, यानी यह जो टैक्स स्लेब है वो स्टेप बाय स्टेप होगा अप्लाई, आप समझने की कोशिश करना, यानी अगर मेरी इनकम 3 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए में से 0 से 2.5 लाख तो टैक्स फ्री है, तो 2.5 लाख तो यहां पर निकाल दी जाएगी, इस पर तो 0% लगना है, लेकिन बचा कितना हमारा, 50,000, तो ये 50,000 जो आएगा वो 2.5 लाख से 5 लाख की रेंज में आएगा, तो इस पर लगेगा 5%, तो
2500, तो यहाँ पर हमारे पास से जाएगा टैक्स कितना 2500 रुपए। बात समझे या नहीं समझे? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये सीधा ना कर दें कि मेरी इनकम आज की डेट में 10 लाख है तो 10 लाख पर जो लगेगा मेरा टैक्स सीधा सीधा 30% लग जाएगा, कि 10 लाख का 30% कितना हो गया 3 लाख हो गया, कि 3 लाख टैक्स चला जाएगा भाई जितना कमा रहा हूं मैं 10 लाख। और ये बात और ध्यान रखना कि ये जो एनालिसिस है वो मंथली नहीं है, कैसा है एनुअल है, वार्षिक है। कैसा है? वार्षिक। तो यहां पर यह स्टेज बाय स्टेज, पहली स्टेज को काट के दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज को काट के तीसरी स्टेज, और तीसरी स्टेज को काट करके चौथी स्टेज। जैसे मैं आपको एक कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ में ही ले लेता हूं, और कंप्लीट एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये लेता हूं कि मान लीजिए कि मेरी इनकम जो है वो 12 लाख है। अब मैं आपसे पूछूं कि 12 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 12 लाख पर मुझे जो टैक्स देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा। तो यहां पर आप ध्यान से समझना कि अगर मेरी इनकम 12 लाख है तो आप ये मत सोचना कि 10 लाख एवव है तो 12 लाख पर 12 × 36 3,60,000 लग जाएगा। नहीं, सबसे पहला स्टेप 0 से 2.5 लाख इसमें से क्या कर दी जाएगी फ्री, 2.5 लाख कितनी क्या कर दी जाएगी फ्री। अगर ये 2.5 लाख फ्री कर दी जाएगी तो यहां से आप समझ सकते हो कि 2.5 लाख अगर हम फ्री करेंगे तो 2.5 लाख जो होगी 2.5 लाख पर कितना लगेगा 0%, यानी बराबर 0। बात समझे या नहीं समझे? अब हम रेंज में एंट्री कर गए 2.5 से कितने में 5 लाख, तो 2.5 से लेकर 5 लाख तक बची कितनी रकम 2.5 लाख। कितनी लगी बची 2.5 लाख। तो यहां पर फिर हमारे पास 2.5 लाख बची तो 2.5 लाख पर जो लगेगा वो कितना लगेगा 5%। तो 5% जब टैक्स लगेगा तो 25×5 = 125, यानी 5% कितना हो गया 2.5 लाख का 12,500। कितना हो गया 12,500। क्लियर बात? अब हम यहां पर 5 लाख पहुंच गए, 2.5 लाख ये जो टैक्स फ्री 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख पर 5% लगेगा जो कितना हो गया 12,500। अब 5 लाख से अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख में कितना बचा 5 लाख। तो 5 लाख जो हमारा बचा, जरा समझने की कोशिश करना, तो जो 5 लाख हमारा बचा उस 5 लाख पर कितना परसेंट लगेगा 20%। तो 20×5 = 100, तो यहां पर कितना लगेगा हमारे पास टैक्स 1 लाख रुपए। कितना लगेगा 1 लाख रुपए। अब हम यहां पर 2.5 यहां चले गए कितना चले गए 5, और 5 × 5 = 10 लाख हो गया। हमारी इनकम कितनी थी 12 लाख, किसके आएगी 10 लाख है बाबा आएगी, तो बचा कितना हमारे पास 2 लाख। तो यहां पर हमारे पास में जो 2 लाख बचेगा वो टैक्सेबल जो होगा वो 30% से होगा, तो 2 लाख का हमारे पास लगेगा 30%, 2×3 = 6, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 60,000। तो यहां पर 0, 12,500, 1 लाख और 60,000, तो आप यहां पर समझ गए होंगे 1,72,500। तो यहां पर हमें जो टैक्स जाएगा वो 1,72,500 जाएगा। बात क्लियर यहां तक? क्लियर है? तो यह सीक्वेंस में इस तरीके से टैक्सेबल होनी है। बात क्लियर या नहीं क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब सुन लीजिए, यहां पर अब तक मैंने जो बात की थी वह मैंने बात यह की थी कि अगर अब के बजट को छोड़ दिया जाए निर्मला सीतारमण के, तो इससे पहले का यह था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने फिलहाल संशोधन किया है इसमें, और संशोधन यह किया है कि जो 4 लाख या 4 लाख से कम इनकम की बात होगी, जरा ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, कि इस बार के बजट में तब्दीली हुई है कि जहां पर इनकम 4 लाख या 4 लाख से क्या होगी कम होगी तो वो क्या हो जाएगी टैक्स फ्री। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि थोड़ी सी राहत कैसे लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को थोड़ी सी राहत। यहां 2.5 लाख लिमिट थी जो टैक्स फ्री था, यहां पर 4 लाख लिमिट कर दी। जरा ध्यान से समझना मेरी बात। लेकिन है इसमें कि अगर यहां पर 4 लाख या 4 लाख से कम इनकम है तो वो टैक्स फ्री होगी। बात समझना, अगर काश 4 लाख प्लस चली गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 लाख चली गई, तो 5 लाख पर टैक्स आपको इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा, यानी 2.5 लाख इसमें से निकाल करके बिल्कुल खत्म। समझ में बात आई या नहीं आई? 2.5 लाख इसमें से निकाल करके बिल्कुल खत्म, और 5% जो लगेगा वो 2.5 से लेकर 5 के बीच में बचा कितना 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पर 5% लगेगा। तो यानी कहने का मतलब जो छोटे लेवल के लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, केवल उनको यहां पर राहत मिली है, जिनकी इनकम केवल under 4 लाख है या 4 लाख है, ठीक है, उन्हीं को यह राहत मिली है। अगर 4 लाख से 1,000 भी या 4 लाख 1 रुपया भी जाता है तो टैक्सेबल वो इसी टेबल के अकॉर्डिंग होगी। अगर बोल दिया जाए कि निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करते हैं इस समय, अगर इस समय हमारी इनकम
12 लाख है और निर्मला सीतारमण के बजट पेश होने से पहले भी इनकम 12 लाख थी, तो केस ने सेम निकल करके आएगा रेट का, क्योंकि 4 लाख अबव चली गई, 4 लाख अबव चली गई तो सब रेट लगने वही है, लेकिन बस 4 लाख तक जो होगा उस पर 100% छूट है। अगर 4 लाख से ऊपर जाती है तो पूरा का पूरा पुराना ही हिसाब किताब टैक्सेबल होना है। बात समझे या नहीं समझे? तो इसका मतलब 12 लाख अगर इनकम है तो ना निर्मला सीतारमण के बजट से उसमें कोई परिवर्तन आना मुझ पर, और ना इससे पहले। केवल मिडिल क्लास के लोग जिनकी 4 लाख अंडर है या 4 लाख है वही इससे राहत की सांस ले सकते हैं, बाद बाकी और नहीं। क्लियर बात? क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे दोस्तों, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि क्लास जो है वो आपकी लाइव नहीं हो पा रही है क्योंकि बफरिंग हो रही है। हालांकि जितना भी डाटा तुम्हारा था जिसमें क्लास मैंने करने की कोशिश की थी वो आज की क्लास में मैं ऑफलाइन डाले दे रहा हूँ। बाद बाकी फिर मिलते हैं अगर कनेक्टिविटी जुड़ती है। ओके बाय।